उन्होंने जन की बात कैसे उस मन की बात वाले के पास पहुंचे, अच्छा, और जन की मन की बात क्या होगी, इसे जानने के लिए उन्होंने ये भारत जोड़ो पद यात्रा प्रारंभ की। भाषा में जरूर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हल्की फुल्की बू जरूर आ रही है, आप लोग माने या ना माने। तो जनहित यात्रा और राजनीतिक यात्रा, यात्रा को आप बीच में कहाँ स्थापित करें? आपको प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये तपस्या का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। हमने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये तपस्या यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। टी शर्ट पे जब जब सवाल आया, ठंड पे सवाल आया, उन्होंने कहा कि हम तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, गर्भगृह में आपके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे थे, पूरे गद्देदार आसन आप लगा करके बैठे हुए थे। यहाँ तो वो तपस्वी पैदल चल रहा है, आप जिसको तपस्वी आप कह रहे हैं वो तो तपस्या ये दिखती है ना कि पैदल चल रहे हैं आम लोगों के लिए। कह रहे हैं सर कि वो तो वहाँ पे मीडिया कवरेज चल रहा था और तपस्या भी चल रही थी, यहाँ पर एक और तपस्या चल रही है जो कि राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि वैसे तपस्या नहीं होती है, तपस्या ऐसे होती है सड़कों पर टी शर्ट पहन के ठंड। तपस्या का मतलब ही हुआ तपस्या की बात ही क्यों कर रहे हैं हम? तपस्या प्रमुख प्रश्नोत्तरी की ओर हम बढ़ेंगे जिसमें यात्राओं पर बातें करेंगे। यात्रा एक तो पहले नेशनल लेवल से चलते हैं, अभी इस ठंड में भी टी शर्ट पहन के राहुल गांधी घूम रहे हैं और उनके टी शर्ट पे बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। टी शर्ट को अभी हम लोग साइड में रख देते हैं क्योंकि हर एक प्रेस वार्ता में वो यही कह रहे हैं कि हमारे टी शर्ट पर बात हो रही है, तो चलिए हम टी शर्ट को किनारे करते हैं। इस यात्रा को लेकर के चूँकि बिहार में भी ये यात्रा चल रही है, कितना इम्पैक्ट मतलब कि आप लोग देख पा रहे हैं इस यात्रा को लेकर के? सीधा सवाल है। देखिए हम लोग ये यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने प्रारंभ की है, बिहार में अन्य प्रदेशों में जो यात्राएं चल रही हैं भारत जोड़ो यात्रा, हम लोग किसी इम्पैक्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सीधी सी इम्पैक्ट एक ही है, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बुजुर्गों की, गरीबों की जो आवाज़ है। मुझे नहीं कहना चाहिए आप भी मीडिया बंधु हैं, जो काम आपको करना चाहिए था, मीडिया बंधुओं को करना चाहिए था, वो आपने नहीं की, अपनी जिम्मेवारी को आपने निर्वाह नहीं किया, आपने नौजवानों को, किसानों की मामला को कभी आपने नहीं उठाया। आप सिर्फ मन की बात कहने वाले लोगों की, मन की बात जन तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जन की बात, मन की बात करने वाले के पास कभी नहीं पहुंचा पाते हैं आप लोग। आप चौथे स्तंभ है, आप लोगों की जन की बात, मन की बात करने वाले के पास पहुँचानी चाहिए, ये नहीं हो रही थी। इसी के लिए माननीय राहुल गांधी जी हमारे जो आदरणीय नेता हैं, उन्होंने जन की बात कैसे उस मन की बात वाले के पास पहुंचे, अच्छा, और जन की मन की बात क्या होगी, इसे जानने के लिए उन्होंने ये भारत जोड़ो पद यात्रा प्रारंभ किया है। चलिए तो जन की बात और मन की बात के बीच में ये जो ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, हम धन्यवाद देंगे कि पत्रकारों का भी कुछ काम हल्का कर रहे हैं। अगला सवाल बहुत बार उत्पन्न होकर के सामने आ रहा है कि जो देखा जा रहा है, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है वो राजनीति से एकदम दूर है, इसमें हम लोगों का राजनैतिक जो है वो कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन हर एक बार जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी और उनके जो भी साथ में घूम रहे हैं वो लोग मुंह खोल रहे हैं। जैसे कि आप बात कर लें हरियाणा की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो है वो यहाँ से जो है वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, इस तरह का एक टर्मोलॉजी उन्होंने यूज किया। तो जब आप वोटिंग और ये जो इलेक्टोरल सिस्टम से दूर होकर के यात्रा कर रहे हैं, तब आप बार बार उस चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो है वोट बैंक रहता है, यहाँ से लोग चुने जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं, या फिर आप कहीं भी जाते हैं तो योजनाओं पे बात कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि भैया उसको, उस पार्टी को जो सरकार में है वो नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए और एक इम्पैक्ट बनाया जाए, और किसी से भी सवाल करने पर ये लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन इम्पैक्ट तो बन ही रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि इम्पैक्ट बनाई जा रही है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो ऐसा कहीं से भी आप नहीं देखे होंगे ना कभी सुने होंगे, राहुल जी ने कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे इस भारत जोड़ो यात्रा को कभी उन्होंने नहीं जोड़ा है। उन्होंने एकदम निस्वार्थ भारत की जन की, जी जी, राहुल गांधी जी इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता उनके लगातार भाषण सुन रही है, आप भी लगातार देख ही रहे होंगे, उस भाषण में जरूर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हल्की फुल्की बू जरूर आ रही है, आप लोग माने या ना माने।
नहीं मानने वाली बात ही नहीं, में कुछ इधर उधर हो जा रहा है। आप जनता की बात करें, जनता तो कह सकती है कि राहुल जी जो चले हैं, जो यात्रा प्रारंभ किए हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, ये जनता कह रही है, न कि हमारे कोई नेता कह रहे हैं, ना राहुल जी कह रहे हैं ना हमारे कोई नेता कह रहे हैं। आम जनता तो कुछ भी कह सकती है। आम जनता को लग रहा है कि हमारी मन की बात सुनने वाले नेता राहुल जी हैं, तो राहुल जी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए और हम लोग इनके समर्थन में हैं। तो ये जनता कह रही है, न कि कोई नेता कह रहा है। कई बातें चल रही कि अपने आप को सुदृढ़ कर रहे हैं राहुल गांधी अब राजनीति में, क्योंकि यदि बाहर की यदि हम बात करें, विदेशों में जो पत्रिकाएं छप रही हैं, हम कल पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा गया कि राहुल गांधी जी जो हैं अपनी पार्टी और अपना राजनीतिक करियर को सुदृढ़ कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए। कोई राजनीतिक सुदृढ़ीकरण की इसमें बात ही नहीं है। अच्छा, अगर राजनीति करनी रहती राहुल जी को तो इतनी बड़ी यात्रा आप देखे होंगे कि आज़ादी के समय में महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों के गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी यात्रा की थी, और आज भी उन्हीं अंग्रेजों के जो गुलाम जो समर्थक थे, जो आज जिस देश को जकड़े हुए हैं, उनकी गुलामी से इस भारत की जनता को आज़ादी दिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने प्रारंभ किया है। चलिए एकदम सीधा सीधा सवाल हम करेंगे अब, राजनैतिक यात्रा और जनहित यात्रा, इन दोनों के बीच, क्योंकि दोनों का जो डेफिनेशन है, दोनों की जो परिभाषा है उसमें तो सटीक नहीं बैठ रही है यात्रा। राजनैतिक यात्रा वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इफेक्ट करने के लिए की जाती है, जनहित यात्रा वो जिसमें राजनीति की एक बात नहीं होती है, लेकिन इसमें तो राजनीति की हर एक मंच से बातें हो रही हैं इसलिए तो आप कहीं नहीं हो रही है राजनीति की एक बूंद भी कहीं भी किसी मंच पे नहीं से नहीं हो रही है इसमें। पूरी राजनीतिक बयानों को बार बार घोल मटोल करके उस सॉल्युबल है कि नहीं है, कितना सॉल्युबिलिटी है, ये चेक किया जा रहा। अभी बात हुई कि पांडव जो थे वो तपस्वी थे और उन्होंने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया, जो ये मुद्दे उठ रहे हैं, आप लोग को भले लगता हो, आप लोग हो सकते हैं कि निस्वार्थ बात कर रहे हो, लेकिन जनता के मन में ये जरूर जा रहा है। तो जनहित यात्रा और राजनीतिक यात्रा को आप बीच में कहाँ स्थापित करना चाहिए? आपको स्पष्ट कह दूं कि हम जो कहे कि जनहित यात्रा, अगर हम जब जनता के बीच से गुजर रहे हैं, जब लाखों की संख्या हजारों की संख्या में जनता बीच सड़क पे रोक के कह रही है, नोटबंदी पे हो, किसान की आय की बात कर रहे हो, या जो भी आप भारत को बेचने की बात जो देखा जाए, बेल गेल सेल जिस तरीके से बेच रहे हैं, कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अरे 70 साल में तो कांग्रेस ने वही किया जो आप आज बेच रहे हैं, नहीं तो आपके पास था क्या? जो कांग्रेस ने बनाया उसे बेच रहे हैं, तो देश को तो आप कंगाल करने पे वातुर पड़े हुए हैं। अगर जनता के बीच से हमें कोई बात आ रही है और उसको हम अगर कह रहे हैं तो उसमें कहाँ से है कि हम जन की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी के भाषण को देखा जाए तो जो कंटेंट की रचना है, अभी हम उस पर रिसर्च कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि बार बार कई शब्दों की आवृत्ति हो रही है, जैसे कि तपस्वी। तो ये हमारा सीधा ये सवाल होगा कि ये जो तपस्वी शब्द है, या फिर ये क्या राहुल गांधी अपने तपस्या का प्रदर्शन करने निकले हैं टी शर्ट पहन के, या फिर राहुल गांधी क्या दिखाना चाहते हैं बार बार तपस्वी की बात करते हुए, मतलब क्या कहना चाहते हैं इन चीज़ों से? देखिए कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है इन चीज़ों को लेकर के। तपस्वी किसे कहते हैं जी? सबसे बड़ी चीज ये है जी, देखिए तपस्वी का एक तो डेफिनेशन वो होता है जो तप करता हो, दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि तपस्वी का तप जो है वो कहीं शांति में अकेले में होना होता है, तपस्या की जो ऊर्जा है उससे लोग प्रभावित हो, तपस्या कहीं दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पे तपस्या का खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये तपस्या का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। हमने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये तपस्या यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। टी शर्ट पे जब सवाल आया, ठंड पे सवाल आया, उन्होंने कहा कि हम तपस्या कर रहे हैं। टी शर्ट पे दाढ़ी पे बात करिएगा ना, उन्होंने खुद कही कि हम तपस्या करने निकले। आपको बता दूं कि अभी जो बंगाल में चुनाव होने वाले थे कोविड काल में, आप दाढ़ी पूरी ड्रेसिंग के साथ करके लंबी, इतनी लंबी दाढ़ी जो बढ़ाए थे तो क्या था आपका? और राहुल जी की आज दाढ़ी तो हर पुरुष को है, मेरी भी दाढ़ी है, हम मेरी दाढ़ी अगर बढ़ जाए तो उसको कहेंगे ओसामा बिन हो गए, आप दाढ़ी बढ़ा के उस समय क्या रविंद्रनाथ टैगोर बन गए थे? बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि यात्रा पर यदि बातें छिड़ जाएं तो हर एक कदम में एक एक सवाल है, और उस सवाल का जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बड़ा सटीक सोच के रखे हुए हैं कि यदि ये सवाल उठे
ये बात उठे तो हम यही बात चिपका देंगे। और आप शुरू से लेकर के शीर्ष से लेकर के बॉटम तक आप नेताओं को देखेंगे, अभी कन्हैया कुमार का भी इंटरव्यू सुन रहे थे, वही बातें वो भी कह रहे हैं और यहाँ से भी वही बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि भैया जब जब तपस्या पे बात होती है वो कहते हैं कि मोदी जी भी तो तपस्या करते थे गर्भगृह में बैठ करके। तो ये बताइए कि तो जब आप मोदी की शिकायत कर रहे हैं और वो तपस्या कौन सी तपस्या करते, गर्भगृह में आपके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे थे, पूरे गद्देदार आसन आप लगा करके बैठे हुए थे, यहाँ तो तपस्वी पैदल चल रहे हैं। आप जिसको तपस्वी आप कह रहे हैं वो तो तपस्या ये दिखती है ना कि पैदल चल रहे हैं आम लोगों के लिए, और वहाँ तो आप अपने लिए सत्ता में मैं कैसे बनूं इसके लिए आप गद्दा लगा के चारों तरफ से सीसीटीवी और पूरे मीडिया का कवरेज लेने के लिए आप बैठे हुए थे। बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं सर कि वो तो वहाँ पे मीडिया कवरेज चल रहा था और तपस्या भी चल रही थी, यहाँ पर एक और तपस्या चल रही है जो कि राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि वैसे तपस्या नहीं होती है, तपस्या ऐसे होती है सड़कों पर टी शर्ट पहन के ठंड। तपस्या का मतलब ही हुआ, तपस्या की बात ही क्यों कर रहे हैं हम, तपस्या की बात कहाँ कर रहे हैं, ये तो आप लोग तपस्या की बात कर रहे हैं, मीडिया के लोग राहुल गांधी तपस्या पे बात कर रहे हैं, उनके मोदी जी की तपस्या है कि पांडव जो है वो तपस्वी थे, पांडव जो तपस्वी थे हम भी तपस्वी हैं, गांधी नहीं है। पांडव जी को तपस्वी करें तो कहां दिक्कत है, पांडव तपस्वी थे लेकिन वो अपना कंपैरिजन अपने से कर रहे हैं। बात करते हैं राम मंदिर की बात करते हैं तो समझना चाहिए ना कि तपस्वी कैसे बना जाता है। बिल्कुल, तो वही समझा रहा है राहुल गांधी, ये मानिए ना, ऐसे कार्य को तपस्या कहा जाता है, गद्दा पे बैठ के सिर्फ आसन मार लेने से क्या तपस्या हो गई? तपस्या तो वो है कि जब आप यहाँ से 3000 किलोमीटर की जो दूरी आप तय कर रहे हैं वो तपस्या है, और लोगों के लिए न कि अपने लिए। आज टी शर्ट की बात की जा रही है, अब टी शर्ट पे आप चलिए मेरे साथ, अभी 4 किलोमीटर चलने के बाद आप अपनी जैकेट उठा के फेंक दीजिएगा। तो जवाब तो ये होना चाहिए था, लेकिन वो तपस्या है थी, ये तपस्या है, ये सारी बातें जो चल रही हैं उस पे हमारा सवाल था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और ये जो बातचीत है ये थोड़ा सा जो है वो दूसरे मूड की ओर चला गया। खैर, ये यात्रा उसी मूड के लिए ही है, इसी मूड को बनाने और छेड़ने के लिए ही ये यात्रा है। सबके पास अपना अपना जवाब है और हमारे पास अपना अपना सवाल है। तो जब जब हम लोग पहुंचते हैं यात्रा में, अभी यात्रा आने वाली है और आपको मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से बता दूं कि यात्रा में हमारी टीम भी शिरकत करेगी और पूरा कवरेज, जो कि एक गोदी मीडिया की बातें चल रही कि कवरेज नहीं होता है, तो हम लोग गोदी मीडिया नहीं, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं और स्वतंत्र हैं, तो हम लोग अपनी माइंडसेट से कवरेज करेंगे और पूरा का पूरा कवरेज आप न्यूज सुपर 7 पर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ बहुमूल्य बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद। नववर्ष और मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं भी मिल गई हैं, अब आप भी चूड़ा दही खाइए और न्यूज सुपर 7 देखते रहिए, यूं ही प्यार बरसाते रहिए। धन्यवाद।